राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में आज प्रेस वार्ता को आयोजित करते हुए उत्तराखंड टेनिस एसोसिएशन द्वारा जानकारी दी गई कि SDFC उत्तराखंड ओपन सीनियर टेनिस टूर्नामेंट 5 तथा 6 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट शांति टेनिस अकेडमी डालनवाला देहरादून में खेला जाएगा। इसमें 5 श्रेणियों में मैच खेले जाएंगे। मेंस डबल्स कम्बाइंड एज 80+, 90+, 100+, 110+, 120+। इसमें प्रतिभाग करने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल तय की गई है। साथ ही इस टूर्नामेंट में समस्त भारत से खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में विजेता टीम के लिए पुरस्कार राशि 2,00,000 रुपए रखी गई है तथा इस टूर्नामेंट को SDFC होम लोन्स स्पॉन्सर कर रहा है। यह आयोजन भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। साथ ही इस टूर्नामेंट में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार बतौर खिलाड़ी शामिल होंगे। इस टूर्नामेंट का आगाज मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य जी के द्वारा होना प्रस्तावित किया गया है। इसमें कैटेगरीज तो वैसे 80, 90, 100, 110, 120 ये 5 कैटेगरीज है जो दो पार्टनर्स की कंबाइंड एज होनी चाहिए और मिनिमम एज जो है वो 25 साल होनी चाहिए। ये कंबाइंड एज जो दो पार्टनर्स है उनके जो दोनों की कंबाइंड एज है वो 120 होनी चाहिए। दो 60 साल के प्लेयर्स भी फॉर्म कर सकते हैं या 70-50 की करें। इस तरह से आपका हमारे जो स्पॉन्सर है HDFC है मेन स्पॉन्सर और बाकी को स्पॉन्सर में स्टारवुड होटल है, इवॉन टेक्नोलॉजीज है, इंडियन ट्री जो एक क्लोथिंग ब्रांड है वो है और ये 5 और 6 नवंबर को कंडक्ट कराया है। वहीं उत्तराखंड टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष SP सिंह ने बताया कि इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की संख्या करीब 150 के आसपास होगी। उन्होंने बताया कि उन्हें टेनिस से बेहद प्यार है, इसलिए वे इस आयोजन को भव्य तरीके से करवा रहे हैं। साथ ही SDFC लोन्स के इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किए जाने पर SDFC लोन के प्रबंधक ने बताया कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इसे हमें स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए खेलते रहना चाहिए। इसी के चलते SDFC भी इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने के लिए आगे आया है। हाँ, मेरा नाम SP सिंह है, मैं उत्तरांचल टेनिस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। यहीं देहरादून में ही पिछले 15-17 साल से रह रहा हूँ, ओल्ड मसूरी रोड पर, और टेनिस से मुझे बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। टेनिस लगभग पिछले 35 साल से मैं लगातार टेनिस खेल रहा हूँ और मॉर्निंग में टेनिस खेलने के लिए 6-6:30 बजे उठ के अपने ग्राउंड पे हम लोग चले जाते हैं, थोड़ा पसीना निकालने के लिए, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए। तो यहाँ पे देहरादून में जो है ना टेनिस का बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के यहाँ टेनिस खेलने वाले हैं। मैं दिल्ली में भी टेनिस खेलता था लेकिन वहाँ लोगों के प्रति इतना लगाव नहीं था टेनिस के प्रति, लेकिन यहाँ जो नए लड़के हैं वो कुछ टेनिस के लिए निकल के आ रहे हैं। नहीं देखिए, हमें ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लगा जिसमें सीनियर्स को मौका दिया जा रहा है अपना टैलेंट शो करने के लिए, एंड आई एम श्योर ये जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहेगा। तो हमें एसोसिएशन ने अप्रोच किया तो हमें लगा कि हाँ, हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। न्यूज़ इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है, खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।